फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज के इस फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे किसी भी बैकग्राउंड के साथ दूसरे फोटो का कलर कैसे मैच कराते हैं। अब देखिए, अगर हमने इस फोटो को कहीं से कट कर लाकर यहां पेस्ट किया है तो उसका कलर कैसा था, ये देखिए, बिफोर एंड आफ्टर, ये कलर कैसे मैच हुआ है इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। इसे मैं डिलीट करता हूं और फिर से करते हैं इसे। जैसे इसे हमने कट करके मास्क कर दिया इसके ऊपर। अब अगर कलर मैच कराना चाहते हैं इन दोनों का तो आपको जाना होगा एडजस्टमेंट लेयर पर, यहां क्लिक करेंगे, यहां से सिलेक्ट करेंगे कर्व और उसके बाद इसको मास्क कर देंगे इसके ऊपर, यहां से क्लिपिंग मास्क करेंगे। ये क्लिपिंग मास्क हो जाने के बाद जो भी इफेक्ट यूज करूंगा वो सभी इसी इमेज के ऊपर होना है, यानी इस इमेज के ऊपर। अब देखिए, एक मैजिक, छोटे से मैजिक से सारी चीजें चेंज हो जाएगी। कैसे होगी? आपको इस ऑटो बटन पर क्लिक करना है, लेकिन ऐसे नहीं क्लिक करना है, आपको ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करना है। आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करें और उसके बाद इस पर क्लिक करें। ये देखिए, मैं प्रेस करके क्लिक कर रहा हूं। अब जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आपको रखना है डार्क एंड लाइट कलर, इसको आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद शेडोज, मिड टोन्स एंड हाइलाइट्स, ये तीन ऑप्शंस आपके सामने मिलेगा। मिड टोन्स में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, शेडोज और हाइलाइट्स में चेंजेस करना है। शेडोज पर आप डबल क्लिक करेंगे। आपको मालूम है शेडो का मतलब डार्क कलर होता है, तो यहां से आपको डार्क कलर चूज करना है। जो सबसे ज्यादा डार्क पार्ट है इस इमेज में उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे यहां पर सबसे ज्यादा डार्क पार्ट है, यहां पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए क्या चेंजेस होगा। लेकिन जानबूझकर मैं एक गलती कर रहा हूं जो आप लोग भी गलती करेंगे, इसलिए मैं वो गलतियां दोहरा रहा हूं कि आपसे वो गलती ना हो। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये देखिए क्या होता है, ये व्हाइट हो जा रहा है जबकि इसमें ब्लैक इफेक्ट आना चाहिए था। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने लेयर पैनल में जो यहां पर यूज किया है वो आपका सिलेक्टेड है मास्क वाला हिस्सा, जबकि सिलेक्ट होना चाहिए था आपका ये कर्व। तो आप इसे कैंसिल करेंगे और सिलेक्ट करेंगे ये कर्व और उसके बाद ऑल्ट प्रेस करके इस पर क्लिक कीजिएगा। ये गलती जानबूझकर बहुत सारे वीडियोस में मैं करता हूं ताकि आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। अब मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा फाइंड डार्क एंड लाइट कलर और उसके बाद शेडो पर क्लिक करेंगे और यहां डार्क पार्ट पर क्लिक करके कलर चूज करेंगे। ये देखिए इफेक्ट चेंज हुआ। अब यहां से मैं ओके करूंगा और हाइलाइट्स पे क्लिक करेंगे और हाइलाइट में जो सबसे ज्यादा लाइट कलर है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो ये जो रिफ्लेक्शन है आई थिंक यहां पर सबसे ज्यादा लाइट कलर है, तो यहां पर मैं क्लिक करूंगा। फिर आप देखिएगा ये चेंजेस हो गया है। यहां से ओके करेंगे, यहां से आप नो कर दीजिए ताकि ये हमेशा के लिए सेव नहीं हो जाए, तो यहां से नो करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस और करना है, वो ये कि आप इस वाले हिस्से को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएं लाइट बढ़ाने के लिए और यहां से थोड़ा सा कम करें इसे, अच्छा लुक देने के लिए। यस, अब आप देख सकते हैं पहले और अब में क्या फर्क हुआ। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो इसी तरह से अगर आप फोटोशॉप में काफी डिटेल से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीमियम क्लास ज्वाइन कर लीजिए जो ऑनलाइन पर अवेलेबल है। आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अभी भी कॉल कर सकते हैं। और अगर किसी तरह का कुछ कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका सॉल्यूशन ज़रूर लेकर आऊँगा। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।